सारे मेरे जड़े दुनिया के देशों विदेशों सिंह वीर बैठे हैं, सारे वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। अपने मुसलमान वीरों अस्सलाम वालेकुम कहना। आंदे तो बाद मैं बहुत अफसोस है कि जो मैं कल परसों पढ़िया कि जो गुरदासपुर के जोड़ा वाकया होया उनके इल्जाम मेरे सिर ला दिए गए, पर मैं तो एक बार तो बड़ा हादसा भी आया कि जी ए इन इंटैलीजेंस है, बड़े दावे करते कि राह है तो फलां है तो डमका है, इन्होंने इन्नी अकल कोई नहीं कि जी एक पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जनरल सैकटरी तो PSS का चेयरमैन इस तरह काम कर सकता। मैं नहीं, मेरा कोई भी पाकिस्तानी इस तरह का काम नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पर पाकिस्तान की तरक्की इंडिया को वेखी नहीं जाती, इस करके और इस तरह के इल्जाम साढ़े उत्ते लाते हैं। कुछ दिनों के कुछ तो साबित हो भी गया, और मैं दावे नाल कहना कि कुछ दिन साबित हो जाएगा कि यह जोड़े तीन बंदे सन RSS ने ट्रेन किए सन, यह मंजर आम तो गल आ जानी। बाकी रहा मेरा काम, मैं तो पाकिस्तान के रहना और मैं एक सच्चा सुचा पाकिस्तानी हाँ, मैं फखर है अपने पाकिस्तानी होने पर। पाकिस्तानी होने के नाते जदों साडे ह्यूमन राइट्स के प्रोग्राम होंगे ने उन्होंने मैं बहना भी पैंदा, उन्होंने मैं कहना भी पैंदा सम टाइम, तो इहदा मतलब यह नहीं कि मेरी कोई तस्वीर हाफिज़ सईद साहब नाल या किसी दूसरे नाल लग गई तो मैं टैररिस्ट हो गया। अगर मैं इस तरह करता भी तो मैं अपने सिंह वीरां ते कदे ना करता, मैं अगर करता तो गुरदासपुर ना करता, मैं अगर करता इस तरह तो मैं दिल्ली के उत्ते करता, फिर मैं विखांदा। हाँ मैं यह है, मैं दुख भी है, मैं 84 नूं कदे नहीं भुल सकता जदों साडे दरबार साहब ते अटैक होया, पर मैं इस टाइम जिस पोस्ट के उत्ते हैं मैं कदे भी इस तरह की हरकत बारे सोच भी नहीं सकता। तो मैं एक बार फिर कहना कि यह इंडियन इंटैलीजेंस की नाकामी है जिहड़ा कि उन्हें इन्ने दुनिया के चुक के मेरे उत्ते इल्जाम लाता कि उन्हें किया, और मैं इनकी तरदीद करना ना, मैं इस तरह का काम कदे किया ना मैं इस तरह का काम कदे करांगा। पर एक गल मैं जरूर करांगा कि बापू सूरत सिंह की जिहड़ी जद्दोजहद है उन्हें खत्म करन की साजिश है, तो एक गल मैं नाल यह भी करांगा कि जिहड़ा कीड़ा इस टाइम उठ गया, जिहड़ा बुखार इस टाइम चल गया खालिस्तान वाला, इहनूं हुण कोई नहीं रोक सकता। और मैं दावे नाल कहना कि अन करीब खालिस्तान आज़ाद होकर रहेगा, और असी उत्थे अपने निशान साहब तुहानू सारयां नू झूलदे विखावांगे। खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।